Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 कॉमन स्किन केयर मिस्टेक्स जो हम सब करते हैं और मैं भी ये मिस्टेक्स कर चुकी हूँ एंड अपने एक्सपीरियंस के साथ ये वीडियो बना रही हूँ एंड आई एम श्योर आप अभी भी ये मिस्टेक्स करते होगे। ये ऐसी कॉमन मिस्टेक है ना जो हमें पता भी नहीं चलती और हम कर जाते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में मैंने इन मिस्टेक्स का सॉल्यूशन भी बताया है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत यूजफुल एंड नॉलेजेबल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टेक नंबर 1, ओवर एक्सफोलिएट करना। हम सोचते हैं हम डेली एक्सफोलिएट करेंगे तो हमारी स्किन चमक जाएगी, डेड स्किन सेल्स निकल जाएंगे, ब्लैक हेड्स निकल जाएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर हम डेली एक्सफोलिएट करेंगे ना तो हमारी स्किन का जो नेचुरल ऑयल है, जो मॉइस्चर है, वो निकल जाएगा और उसके बाद क्या होगा, हमारी स्किन डल और ड्राई हो जाएगी, जो हमारी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। इसलिए एक्सफोलिएट करो, डेली एक्सफोलिएट नहीं। मिस्टेक नंबर 2, स्किपिंग सनस्क्रीन। हम सब सोचते हैं मॉइस्चराइजर लगा लिया, अब सनस्क्रीन की क्या ही ज़रूरत है, क्या फ़ायदे होते हैं इसके, पैसा वेस्ट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट है प्रोडक्ट, इसे लगाना बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन अगर नहीं लगाते हो तो सनबर्न हो सकता है, स्किन सेल डैमेज हो सकते हैं, सन टैन हो ही जाता है, प्रीमैच्योर रिंकल्स हो सकते हैं, प्रीमैच्योर एजिंग हो सकती है। सो गाइस, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं भी नहीं लगाती थी लेकिन मैंने अब इसे लगाना स्टार्ट कर दिया है। एंड गाइस, ऐसा नहीं है कि आज धूप नहीं, आज मस्त बारिश वाला मौसम है, क्लाउडी डेज है, तो आज सनस्क्रीन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये आपकी भूल है, क्लाउडी डेज में भी सनस्क्रीन को लगाओ, अपने स्किन केयर रूटीन में इसे शामिल करो। मिस्टेक नंबर 3, पॉपिंग पिंपल्स। जब भी हमें पिंपल्स हो जाते हैं हम क्या करते हैं, यार यहाँ पिंपल हो गए, इसे जल्दी से हटाना है, तो हमारे माइंड में क्या आता है, हम पिन ले आते हैं, सुई ले आते हैं और उसको स्क्वीज करते हैं, पॉप करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। ऐसा करने से हम बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और ऐसा करेंगे ना तो हमारे फेस पे निशान भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हल्के हो जाते हैं लेकिन हटते नहीं है जल्दी, तो ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। मिस्टेक नंबर 4, नॉट स्टेइंग हाइड्रेटेड। अब हाइड्रेशन का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं यार पानी पीने को बोल रही होगी। पानी तो पीना ज़रूरी है ही, कम से कम दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पियो और साथ साथ अपनी डाइट भी अच्छी रखो, बहुत सारे फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, आपकी स्किन की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। तो पानी ना पीना और अच्छे डाइट ना लेना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। मिस्टेक नंबर 5, इग्नोरिंग अदर बॉडी पार्ट्स। जब भी स्किन केयर की बात आती है हम अपने फेस को ही सबसे पहले याद करते हैं और उसी की ही केयर करने में लग जाते हैं, लेकिन हमें अपने हाथों पैरों को नहीं भूलना चाहिए। कभी आपने अपने हाथ पैर को अपने फेस से मैच किया है, कभी देखना कैसे लगेंगे। ये गलती मैं भी कर चुकी हूँ, मेरे पैर इतने ड्राई हो चुके थे, हाथ इतने सूखे सूखे से लगते थे ना, लेकिन उन्हें भी मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी मॉइस्चराइजर लगाओ, अपने नेक पे लगाओ, अपने हाथों पैरों पे भी जरूर लगाओ। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी, बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।